दोस्तों आपने कई सारे यूट्यूबर को यह कहते हुए सुना होगा, यहां तक मैंने भी आपको बोला है कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पर अच्छे व्यूज तो आते ही हैं, साथ में आपका चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो होता है। जैसे अभी के टाइम पर संदीप महेश्वरी की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर जो भी वीडियो बना रहा है, चाहे कम सब्सक्राइबर है चाहे ज्यादा सब्सक्राइबर है, हर एक के वीडियो पर बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि सर ट्रेंडिंग टॉपिक हमको मिलता ही नहीं है, तो हम कैसे इस पर वीडियो बनाएंगे जिससे अपने चैनल को जल्दी से ग्रो करेंगे। तो भाई आज के वीडियो में आप सभी के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन ऐसे चैनल लेकर आया हूं जिस चैनल पर अगर आप काम करोगे तो यहां पर जो वीडियो आप डेली बनाओगे हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में होगा, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होगा। तो आप मुझे बताओ अगर हर एक वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होगा तो आपका चैनल कितने दिन में ग्रो होगा? भाई साहब आज बनाओगे 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे दो दिन तीन दिन चार दिन एक हफ्ते के अंदर जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी ग्रो कर सकते हो। और आज सिर्फ एक नहीं तीन चैनल लाइव आपको खोलकर दिखाऊंगा और इतना इसमें कंटेंट की भरमार है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि यार कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक उठाऊं। इतना ट्रेंडिंग टॉपिक यहां पर होता है कि डेली आप 10 वीडियोस के ऊपर बना सकते हो और यहां पर कंटेंट का खजाना तो है ही, साथ में यहां पर जो कंटेंट होगा वो सबका सब ट्रेंडिंग होगा। तो भाई चैनल आपकी कितना जल्दी ग्रो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। और लास्ट में मैं आपको इन तीनों चैनल को लेकर एक ऐसा गुरु मंत्र दूंगा जिसको जानना बहुत जरूरी है, बिना इसके ये तीनों चैनल अधूरे हैं। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको डायरेक्ट चलता हूं तीनों चैनल लाइव ओपन करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए कि तीन कौन से ऐसे मैं चैनल की बात कर रहा हूं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यानी आप बना सकते हो, और जो भी इनका वीडियो होता है वो भी भाई साहब सब ट्रेंडिंग में होता है। तो चैनल बनाओ, व्यूज छापो, चैनल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी ग्रो कर लोगे। तो डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूं उस चैनल पर, एक एक चैनल आपको दिखाता हूं और सारा का सारा कंटेंट आपको समझाता हूं। अब यहां पर मैं पहले चैनल पर आ चुका हूं जिसका कि हर एक वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होता है। यहां पर मैंने बड़े चैनल फेमस चैनल उठाए हुए हैं जिससे आपको कंटेंट समझने में आसानी हो और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इनका वीडियो भी कभी ना कभी देखा होगा, तो जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि मैं किस टाइप के कंटेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर पहला जो चैनल है वो है आरजे रौनक नो पो करके है। यहां पर आप देख सकते हो 2.79 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 30 लाख होने वाले हैं, 1.3K वीडियो डाले गए हैं। अब यहां पर ये कंटेंट क्या बनाते हैं अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनका जितना भी कंटेंट रहता है, जो भी मैच होने वाले हैं, जो भी मैच हो रहे हैं, जो भी मैच चल रहे हैं, किसने अच्छा खेला किसने बुरा खेला, किसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये अच्छा खेलेगा उसने सही नहीं खेला, किसने बहुत अच्छा खेल लिया, या फिर अगर मैच नहीं भी चल रहा है तो किसने 2023 में ज्यादा रन बनाए, किसने 2023 में ज्यादा कमाई की, किसका 2023 में ज्यादा नाम हुआ, ये सारे चीजों के ऊपर ये क्रिकेट न्यूज पर वीडियो बनाकर डालते हैं। और ये जो टॉपिक है इसमें आप जो भी डेली वीडियो बनाओगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा कि भैया आईपीएल चल रहा है तो कौन सबसे ज्यादा में बिका, कौन सबसे अच्छा खेल रहा है जैसे आईपीएल जब स्टार्ट होगा, और या फिर जो भी सीरीज चल रही है उसमें किसने अच्छा खेला किसने सही नहीं खेला, किसका किसके साथ क्या झगड़ा हो गया क्रिकेट में ही, वो सारा न्यूज ये कवर करते हैं। और यहां पर आपको कंटेंट की कोई कमी ही नहीं होगी, मैच चल रहा है तो भी कंटेंट, नहीं चल रहा है तो भी भाई बना सकते हो कि 2023 में किसने ज्यादा रन बना दिए, कैसे बना दिए, 2023 में किसने ज्यादा कमाई की, 2023 में किसने ज्यादा विकेट लिए, ये सारी चीजों के ऊपर आप बना सकते हो टॉपिक। जैसे कि ये बनाया है रिंकू का रहा साल 2023, भाई यहां पर मैच चल रहा है तब भी बनाओ, नहीं चल रहा है तो इनके ऊपर बना दिया। और व्यूज आप देखो 4 घंटे में 1,30,000 आए हुए हैं, एक दिन में 3,20,000 आए हुए हैं, यहां पर देखोगे 2 दिन में 2,80,000 आए हैं, 3 दिन में 3,83,000, बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट लवर बहुत ज्यादा है। अब देखिए अगर आप एक नए क्रिकेटर हो, आपको चेहरा नहीं दिखाना है कि हम चेहरे के साथ कैमरे के सामने बोल नहीं पाएंगे, चेहरे के साथ आए और कैमरे के सामने बोले, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इस टाइप का टॉपिक आप पीछे से वॉइस ओवर करके भी कवर कर सकते हो, यानी पीछे से वॉइस ओवर करो, सामने इमेज चला दो वीडियो चला दो और आपका जो है न्यूज वो बन गया। अब जैसे देख सकते हो 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे ही इनका छोटा छोटा वीडियो होता है, और ये वीडियो किसके ऊपर होता है बता ही दिया। तो आप यहां पर क्रिकेट के ऊपर, यानी क्रिकेट न्यूज जो लेटेस्ट में चल रहा है उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना सकते हो जैसे कि ये चैनल बनाता है, और हर एक वीडियो टॉपिक जो होता है वो ट्रेंडिंग में होता है।
तो भाई कितना ज्यादा व्यूज आएगा, कितना जल्दी ग्रो होगा, वो आप समझ ही गए होंगे। और एकदम आसान सा ये यहां पर थंबनेल वगैरह भी रखते हैं जो कि आराम से आप मोबाइल फोन से बना भी सकते हो, कुछ भी तामझाम नहीं है। और लास्ट में जो गुरु मंत्र वाला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं तीनों चैनल आपको यहां पर दिखा दूं। अब पहला चैनल आपने समझ लिया, अब दूसरे चैनल पर मैं लेकर चलता हूं। अगर मान चलिए आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है कि सर मैं क्रिकेट देखता ही नहीं हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा ये चैनल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीन चैनल इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। यहां पर मैं दूसरे पर चलता हूं तो दूसरा कौन सा चैनल है देख सकते हो भाई साहब, नियॉन मैन का चैनल है। अब ये कौन सा टॉपिक बनाते हैं यहां पर देख लो, एक बार सब्सक्राइबर देख लो, 2 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं, 1.3 के वीडियो ये भी डाले हैं। टॉपिक क्या होता है भाई साहब, टॉपिक इन्होंने अबाउट सेक्शन में ही लिखा है, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल। यानी कि ये यूट्यूब के ऊपर न्यूज देते हैं कि भैया कौन सा यूट्यूबर किसके साथ भिड़ गया, यानी किससे झगड़ा हो गया, कौन से यूट्यूबर साथ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, क्या यूट्यूबर ने किसको रिप्लाई किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही सारे जो भी न्यूज होते हैं ये भाई साहब कवर करते हैं। और आप अगर ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो 19 घंटे में 7 लाख व्यूज, एक दिन में 6,56,000, 2 दिन में 7 लाख व्यूज, इस तरीके से अच्छे खासे व्यूज लेते हैं सिर्फ न्यूज बताकर, और किसका, यूट्यूबर्स का न्यूज बताकर। और आप सबको पता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा लोग क्या देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट किसमें होगा भाई, टीवी एक्ट्रेस या फिर टीवी एक्टर में इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि यूट्यूबर में इंटरेस्ट होता है कि ये यूट्यूबर इसको क्या बोल दिया, ये यूट्यूबर इसको मतलब क्या चीजें रिप्लाई कर दिया, यही सारी चीज वो जानना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर ये न्यूज यहां पर कवर करते हैं। और इनका भी जो टॉपिक होता है वो भी ट्रेंडिंग में, भैया सौरभ जोशी ने इनको क्या बोल दिया, इनके साथ क्या हो गया, सब जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कंटेंट बनाते हो यहां पर आप बना सकते हो। यहां पर भी आपको चेहरा नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते हो, पीछे से वॉइस ओवर करके सिर्फ सामने फोटो चलाकर वीडियो चलाकर जो रिप्लाई आया है ये सारा कुछ उस तरीके के कंटेंट बनाकर यहां पर आप अपना जो भी है वीडियो फॉर्म कर सकते हो। और बहुत आसान कंटेंट है, और यहां पर जो भी टॉपिक होता है सब ट्रेंडिंग में होता है, जो भी चीजें आपको बता रहा हूं। अब न्यूज चैनल वाले देश दुनिया की खबर बताते हैं, और यहां पर जो चैनल है ये सिर्फ यूट्यूबर्स का न्यूज बताता है, तो इसके ऊपर भी आप टॉपिक बना सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चलता है। अब तीसरे चैनल पर चलते हैं, मान के चलिए आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, तीसरे के ऊपर जरूर इंटरेस्ट होगा। कौन सा चैनल है, अब मैं तीसरे पर चलता हूं, यहां पर देख सकते हो चैनल का नाम है BNF TV करके, इनके भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 944 वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, और व्यूज तो बहुत अच्छा खासा आता है। यहां पर व्यूज देखो 16 घंटे में 2,28,000, एक दिन में 3,48,000, 2 दिन में 8.5 लाख व्यूज, यानी व्यूज की तो भरमार है, क्योंकि जो भी वीडियो का टॉपिक होता है सब ट्रेंडिंग होता है। क्या बनाते हैं, मूवी रिव्यू, कौन सी मूवी आ रही है, उस मूवी का क्या रिव्यू है, यानी अच्छी है बुरी है, अच्छी है तो किस एस्पेक्ट में अच्छी है, यानी किस मतलब कि वे में अच्छी है, खराब है तो किस लिए खराब है, इसी के बारे में ये रिव्यू देते हैं। 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाकर यहां पर ये रिव्यू देते हैं। और नई मूवी आ रही है वो कैसी है कैसी नहीं है ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको देखना है ना, कोई टिकट खरीद कर तो कोई वैसे भी देखना चाहता है, तो एक बार जाकर रिव्यू जरूर चेक कर लेता है, 3-4 मिनट का वीडियो है देख लूं अच्छा होगा तभी मैं 2-3 घंटे यहां पर बैठकर देखूंगा। तो भाई साहब इस टाइम बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे कि आज मूवी आई आज ही आपको वो अवेलेबल करा देते हैं, जाकर देखो और देखकर उसके ऊपर मूवी रिव्यू का वीडियो बना सकते हो। नहीं चेहरा दिखाना है तो इसमें भी आप बिना चेहरा दिखाए सिंपल सा पीछे से वॉइस ओवर करके और मूवी का जो सीन है उसका आप फोटो फॉर्म में यहां पर चलाकर दिखा सकते हो। और यहां पर भी जो टॉपिक होता है, जैसे जो भी नई मूवी आती है वो ट्रेंडिंग में ही तो होता है भाई, जैसे अभी एनिमल आई थी तो कौन सी आई थी, इस तरीके से ट्रेंडिंग में होता है ना, तो आप जो भी टॉपिक बनाओगे सब ट्रेंडिंग में होगा, देख सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे खासे यहां इनके व्यूज भी आते हैं। और यहां से व्यूज मत देखो, जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया, जितना भी चैनल आपको तीनों दिखाए, इन तीनों में व्यूज तो तगड़े आते ही हैं, चैनल तो तगड़ा ग्रो होता ही है, साथ में पैसे भी बहुत अच्छा कमाओगे, क्योंकि व्यूज का तो आपको मिलेगा ही, इससे ज्यादा स्पॉन्सरशिप का मिलता है। तो इस तरीके का जो चैनल आपको तीनों बताया ट्रेंडिंग चैनल है, हर एक टॉपिक हर एक वीडियो जो बनाओगे वो ट्रेंडिंग में रहेगा। अब तीनों चैनल तो मैंने आपको बता दिया, तीनों चीजों का समझा दिया, अब जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में गुरु मंत्र, वो चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि तीनों गुरु मंत्र इन तीनों चैनल पर काम करेगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। और वो चीज अगर आपने लगा दिया तो 100% आप अपने चैनल को ग्रो कर लोगे, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो। अब बात करते हैं उस गुरु मंत्र के बारे में जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए, जो भी मैंने आपको तीनों चैनल दिखाए, इन तीनों चैनल पर अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो तो यह नहीं कि भाई हम
खेत के बगल में खड़े होकर मोबाइल लगाकर और यहां पर वीडियो बनाने लगेंगे और फिर बोलेंगे सर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक दिया था मैं बनाया लेकिन मेरा वायरल नहीं गया। अब देखिए इसमें अगर आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके से जैसे आप बड़े यूट्यूबर देखते हो जैसे वो करते हैं वैसे ही करना होगा। अब आप बोलोगे अरे सर उनके पास तो लाखों का सेटअप है हम लाखों रुपए लाएंगे तब जाकर इस चैनल पर काम कर पाएंगे क्या? भाई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर आप यहां पर इस तरीके का ट्रेंडिंग टॉपिक पर चैनल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोई अपने घर का ऐसा एक कोना देख लो जहां पर सीधे सीधे सूर्य भगवान की रोशनी सीधे से अच्छे से आती हो, बढ़िया से खिड़की वगैरह बड़ी हो या फिर दरवाजा वगैरह हो खोल दो तो वहां से भी अगर अच्छी खासी रोशनी आती है तो वहां जगह एक सिलेक्ट कर लो। उस जगह पर आपको सिर्फ 200-300 रुपए का 200-300 रुपए का एक ग्रीन स्क्रीन लगवाना है। ग्रीन स्क्रीन आपने सुना होगा, ग्रीन स्क्रीन का मतलब होता है हरा पर्दा, वो हरा पर्दा उस जगह पर पीछे लगा लेना है। उसको लगाकर 200 रुपए का मिल जाएगा आपको मार्केट में, पीछे लगाकर वहीं पर खड़े हो जाओ और एक माइक ले लेना भाई साहब, सबसे बेस्ट माइक होता है बोया का, बोया का माइक ले लेना जो कि आपको आराम से 700 रुपए तक का मिल जाएगा। ये माइक ले लेना और 200-300 इसमें यानी कुल मिलाकर 1000 रुपए के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और यहां पर पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर यानी हरा वाला पर्दा लगाकर बोया का माइक अपने मोबाइल फोन में लगाओ, सूर्य की रोशनी आ रही है, फर्स्ट क्लास आपका लाइटिंग का जुगाड़ हो जाएगा, अच्छा खासा क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और क्या करोगे वीडियो अपना बना लो और पीछे हरा पर्दा लगाया रहेगा यानी ग्रीन स्क्रीन लगी रहेगी तो उसके पीछे आप अगर किसी मूवी का रिव्यू कर रहे हो तो पीछे मूवी का जो फोटो है वो चला सकते हो, जो ग्रीन स्क्रीन होती है कुछ भी वहां चला सकते हो ना, तो वो चला सकते हो। उसके साथ ही अगर आप मान चलिए कोई न्यूज बता रहे हो किसी यूट्यूबर के बारे में तो भाई साहब वो न्यूज का जो फोटो रहेगा यूट्यूबर का फोटो रहेगा पीछे अपना चला सकते हो, यानी अपने पीछे जैसे मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड है तो मेरे पीछे जैसे है उसको आप चला सकते हो। और उसके साथ ही मान के चलिए आप यहां पर क्रिकेट का न्यूज बता रहे हो तो वहां पर भी जो फोटो वगैरह चलाना है वीडियो वो अपने पीछे चला सकते हो जो ग्रीन स्क्रीन है वहां पर। और उसके साथ ही मान के चलिए आपको फोटो वगैरह वहां पर नहीं चलाना है तो भाई साहब अच्छा खासा एक सेटअप का जो फोटो होता है उस फोटो को भी अपने पीछे लगा सकते हो। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मेरा पुराना वीडियो बिल्कुल ओल्ड वीडियो उठाकर देख लो तो मेरे पास भी एक जो रूम था जो कि स्टोर रूम था जहां पर ऐसे ही कबाड़ वगैरह भरे थे वहां पर लाइटिंग का मैंने जुगाड़ किया, पीछे एक 200 रुपए का पर्दा लगाया, उसको लगाने के बाद मैंने भी ऐसे तरीके से सेटअप किया था, जाकर मेरा पुराना वीडियो देख लो उसमें भी पीछे मेरा ऐसे सेटअप दिख रहा होगा कि कंप्यूटर रखा हुआ है ये रखा हुआ है जो कि ग्रीन स्क्रीन का कमाल था यानी कि बस फोटो लगा था सामने से मैं बोल रहा हूं। तो वो चीजें आप स्टार्टिंग में जुगाड़ कर सकते हो, आप पीछे क्या लगाकर चला रहे हो कोई नहीं जान पाएगा, ग्रीन स्क्रीन का यही तो सबसे अच्छी बात है। तो आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करके बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में एक माइक ले लेना बोया का, बस आपका काम हो गया। अगर चेहरा दिखाकर बनाना है, चेहरा दिखाकर नहीं बनाना है तो सिर्फ माइक ले लोगे पीछे से वॉइस ओवर करके फोटो वगैरह दिखा दोगे आपका काम हो जाएगा। तो ये था गुरु मंत्र तीनों चैनल को ग्रो करने का जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन किस टाइप के चैनल पर काम करने वाले हैं यानी तीनों में से किस चैनल पर आप काम करने वाले हो कमेंट करके बताइएगा। और दिल से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहां पर दो और वीडियो आपको यूट्यूब से रिलेटेड मिल जाएंगे, जाकर इनको देख सकते हो और अपने यूट्यूब नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।